हाँ तो भाई साहब, जैसा कि आपको खबर मिली गई है, आयोग ने बता दिया है कि इतने तारीख को एग्ज़ाम होगा। आरओ एग्ज़ाम डेट बिल्कुल तय कर दी गई है। पूरी वीडियो देखिए और समझते हैं पूरा खेला। शुरू करते हैं लेके डॉट डॉट डॉट, आप समझ ही गए होंगे। तो शुरू कर दब, बस शुरू करते हैं, मैंने ठीक से बोला, बाकी का आप अपने हिसाब से सेट कर लेना जी। और देखिए भैया, जितने लोग हैं, मेरा नाम है ये, चलिए और चलते हैं, ये 21 20 23 22 आरओ मेंस सब लगातार देखते हैं। और ये अगर मध्य प्रदेश पुलिस की, तो मान लो कि किताबें बहुत अच्छी हैं, 80% पेपर आपको इन नोट्स से मिलेगा। नोट्स की 11 बुकलेट हैं, ये खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। अब जो क्लास चल रही है आरओ के लिए, वो ये है, गांव वाले ट्रेन से कपड़ा लाते हैं। गांव गाजियाबाद की बात है, ट्रेन ट्रोनिका सिटी इसी से कहते हैं। कपड़ा कपड़ा रिसर्च इंस्टीट्यूट यहीं स्थित है, ये पढ़ा रहा हूँ मैं, वीडियो 4 है ये आरओ स्पेशल क्लास की। राजीव की अम्मी इंदिरा को फुर्सत नहीं है। राजीव की अम्मी इंदिरा जब भी नहीं होंगी, उनको फुर्सत नहीं रही होगी। अम्मी अमेठी, राजीव गांधी विमानन राष्ट्रीय विमानन विश्वविद्यालय, राजीव गांधी पेट्रोलियम प्रौद्योगिकी संस्थान, दोनों अमेठी में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी कहाँ है? अमेठी में। फुर्सत फुर्सतगंज हवाई अड्डा कहाँ है? अमेठी में। ये क्लास चल रही है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो, कुछ पेज और भी दिखाऊंगा। और ये एडमिट कार्ड जारी हो गए हैं भैया, जो लोग मेरे यहाँ से कोर्स कर रहे हैं, बीलिब एमलिब, मैंने बताया भी था, पीजीडीसीए वाले भी एआरओ में एलिजिबल हो जाएंगे, जितने भी बच्चों ने मेरा भरोसा किया। और ये जो दो नौकरी आ रही थी, इनमें भी एलिजिबल हो जाएंगे। ये वाला समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी, ये पद बढ़ गए हैं, इसकी भी बात बताता हूँ। कंप्यूटर सहायक वाले में डीसीए वैलिड रहेगा, डीसीए कर लीजिए, पीजीडीसीए कर लीजिए, दोनों वैलिड हैं। और बढ़िया विश्वविद्यालय से आएँ, ये नहीं कि वो कोई विश्वविद्यालय के नाम के आगे भी सर लगाना पड़े, ऐसी चीज़ें हैं। ये 11 नोटबुक्स हैं, ये रिव्यू बहुत सारे मिल जाएंगे आपको। अब करना क्या है आप लोगों को, पहले तो मेरा नंबर आप नोट कर लो सबसे पहले, क्योंकि बाद में आप बार में कमेंट करके पूछोगे, 9972952। नोट्स की कोई जानकारी भी लेनी है तो इन्हीं से ले लेनी है भैया, पूरा पेपर यहीं से आएगा। बाद में आप ये कहते हो सर फंसा नहीं आप, हाँ एक बात और है, फंसा नहीं से मतलब मुर्गा फंसा वाली भी एक कहावत है। आपने वीडियो पिछले 10 दिन से देख रहे हैं, मेरी वीडियोस पे भी कमेंट आ रहा है, मैंने कोई वीडियो एग्ज़ाम डेट के संदर्भ में नहीं बनाई है अभी। तो आप पहले ये सुनिए कि फंसा ये बड़ा अच्छी चीज़ है। जैसे ही तारीख कोई बता देता है, जैसे ही तारीख बता दी जाती है, तुरंत सेल बढ़ जाती है। मैं भी तारीख बता दूँ ना, तुरंत नोट्स अधिक बिकना शुरू हो जाएंगे। लेकिन भैया शालीनता से काम लो, सही सूचना दो। आयोग ने अभी तक इसकी तारीख तो तय नहीं की कि विज्ञापन कब जारी करेंगे, आयोग ने अभी ये तय नहीं किया। देखिए ऐसे प्री क्लियर होता है, अगर आपको भी करना है सर, प्री क्लियर हो गया, सब आपकी कृपा है। ऐसे अनगिनत बच्चे हैं, अनगिनत हैं, मतलब कुछ के ही स्क्रीनशॉट दिखाए जा सकते हैं, क्रेडिट गोज़ टू यू। तो अब क्योंकि मुझे मिल गया तो मैंने आपको दिखा दिया, अब सबकी चीज़ें तो रख नहीं सकता मैं। और ये वीडियो क्लास कैसे चल रही है, तो देखो एक बार करंट जीके का उदाहरण देख लो। खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, सीधी बात देख लो, खाओगे तो स्वस्थ रहोगे, खाना खाया स्वस्थ रहोगे। तो जो खाद्य सुरक्षा सूचकांक है, कौन जारी करता है? स्वास्थ्य मंत्रालय जारी करता है खाद्य सुरक्षा सूचकांक को। इसके नीचे तुरंत आ जाओ, कल खाना खाने गोवा जाएंगे, कल खाना खाने गोवा जाएंगे, खाद्य सुरक्षा जून 2023 की हैपनिंग है, कल खाना खाने गोवा जाएंगे, कल खाना खाने गोवा जाएंगे, कल केरल पहले स्थान पे है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, खाने का मतलब खाद्य सुरक्षा सूचकांक, गोवा गोवा छोटे राज्यों में पहले स्थान पे है खाद्य सुरक्षा सूचकांक में, जाएंगे जम्मू एवं पूरी कश्मीर करंट जी के केंद्र शासित जैसे प्रदेशों गांव में में पहले तख्ता स्थान पलट हो पे गया, है खाद्य तो सुरक्षा जैवन सूचकांक। में हाल फिलहाल में तख्ता पलट हुआ है, गांव में तख्ता पलट हो गया, याद रख सकते हैं इसमें कौन सी ट्रिक की बात है। बस थोड़ी सी हिंट होती है, वो मैं बना के दे देता हूँ, और भी देख सकते हैं आप। ये यूपी स्पेशल की भी एक नमूना देख लीजिए, पंडा ताल में, ये भी चलिए ये हो सकता है आपने, मैंने दिखा दी हो आपको, तो इसे भी देख लीजिए। जानू गीता के हाथ में गांव के पेड़े हैं, पंडा नगरी अलग है, पेड़ा और पंडा नगर अलग है, दोनों चीज़ें सिखाई हैं।
जानू, जैन संग्रहालय मथुरा में है, गीता भगवत गीता अनुसंधान केंद्र मथुरा में, हाथ हाथी अस्पताल मथुरा में, गा गाय अनुसंधान संस्थान मथुरा में, व बकरी अनुसंधान संस्थान मथुरा में, पंड पेड़े पेड़ा नगरी इसी से कहते हैं, पंडा नगरी इसी से कहते हैं, मेरे साथ स्पेस में चांद उगाएंगे, नंबर ये है। ये सारे नोट्स अवेलेबल हैं। दूसरी बात यह है, 13-13 कंपनियाँ हैं दोनों, नवरत्न और महारत्न। जितना भी डाटा है आपके पास गलत है, हर महीने एक्यूरेट डाटा देता हूँ मैं, ये नोट्स में अपडेटेड है। 13 और 14 मिल रही हैं, गलत है वो, बिल्कुल गलत है। चलिए आगे शुरू करते हैं, मेरी बात दोबारा सुनिए आप लोग। एक छोटी सी खबर फैला दी जाए कि एग्जाम डेट, लेकिन क्या एग्जाम डेट अगर डिक्लेयर कर दे तो आप इससे पहले आप पढ़ते नहीं है क्या? हाँ एक बात और बताता हूँ, ऐसी कोई वीडियो बना दूँ वो बहुत लंबी चलती है, पढ़ाई लिखाई करवाओ, पढ़ने लिखने वाले लोग कम ही हैं, ये बात आप पक्की मान के चलें। जिनको तैयारी करनी है वो आज ही नोट्स ले लेंगे, आज से काम पर लग जाएंगे। बहुत कम समय बचा हुआ है, तारीख कोई आयोग ने अभी निश्चित नहीं की है, कोई तारीख नहीं बताई। जब विज्ञापन की तारीख नहीं बताई आप, जब विज्ञापन की तारीख अभी आयोग के पास नहीं है, कितनी तारीख को जारी करेंगे ऐसा कुछ भी नहीं है, तो परीक्षा की तारीख कैसे तय हो गई? और ये भी हो सकता है कि फर्स्ट वीक की कह रहे हैं, सेकेंड वीक में विज्ञापन जारी हो। एक बात और छोटी सी है, क्योंकि 2-3 एग्जाम कराने हैं, तो हो सकता है, मैं एक बात और आपको यहाँ समझा रहा हूँ कि एक पहले परीक्षा संबंधित जो खाली जगह रह गई थी उससे संबंधित कैलेंडर आए, उसके बाद कोई बात आगे बढ़े। तो थोड़ा आप लोग इंतज़ार करिए, किसी की बातों में मत फंसिए, और डिग्रियाँ अपनी वो देखिए, बात समझिए कि अगर 2-4 नंबर से रहने वाले लोग हैं तो ये PGDCA से वो कहीं इंक्लूड हो सकते हैं, DCA से कोई नौकरी लग सकती है, BLib MLib से लग सकती है, MBA वाले लग सकते हैं, तो इन्हें अगर करना है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। एक नमूना और देख लीजिए आप, सूरदास ने कन्हैया का वर्णन हिंदी में किया है। सूरदास जी बहुत अच्छे कवि रहे, कन्हैया जी का वर्णन किया उन्होंने और हिंदी में ही किया। तो सूरदास, सूर सरोवर पक्षी विहार, सूर सौर ऊर्जा शहर के रूप में विकासाधीन, कन्हैया लाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान, हिंदी राष्ट्रीय हिंदी संग्रहालय, हिंदी केंद्रीय हिंदी शिक्षण मंडल, सब आगरा में है। TB और कोल्ड बीमारी है, मेरी एक खास बात है, वही पढ़ाना है जो पेपर में आएगा, वही तैयार करवाना है। और ट्रिक भी ये नहीं कि वो पहला अक्षर जोड़ के बना दी कोई बात, ये इसमें ट्रिक याद रखने की चीज़ ही नहीं है, क्योंकि वो सूरदास ने हिंदी में वर्णन किया वैसे भी याद है आपको। और टीबी और कोल्ड बीमारी आ गई है, टीबी स्टेट TV डेमोन्स्ट्रेशन ट्रेनिंग सेंटर, कोड लेप्रोसी इंस्टीट्यूट, दोनों कहाँ हैं? आगरा में। इस तरीके से याद रखना है, नोट्स आपको लेने जरूर हैं, नोट्स प्लस क्लास प्लस टेस्ट सीरीज इक्वल टू सक्सेस। बाकी का बात आगे करूँगा, कौन कौन लोग शामिल रहता है, बस थोड़ा सा सिकू पड़ाना है, एक जगह से उठता है, बाकी का चलता ही जाता है। हैव ए नाइस डे, बाय।